आंसू आ रहे हैं, उस दिन से खाना नहीं खा जा रहा साहब। हकीकत बता रहा हूँ भाई, का लड़का मेरा भतीजा चला गया, ऐसे टूट के हमेशा पहुड़े। आस पास का हो, परिवार का हो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, दूर का हो, कहीं का हो, न्याय मिलना चाहिए। एक गरीब परिवार का घर, जो सिर्फ और सिर्फ इस घर में कमाने वाला वही व्यक्ति था। जिंदा अगर लाश होती है, अगर एक उंगली भी कट जाए किसी की तो उछलती है। ऐसे वाले होते तो शायद ये मुद्दा अब तक काफी ऊपर तक पहुंच चुका होता, लेकिन इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश मौर्य और आज मौजूद हूं मैं गनपी के उस गांव में जहां पर अभी कल भी आए थे और कई सारे मुद्दों पर, कई सारी चीज़ों, घर परिवार से हमने बात किया और पूरा परिवार, जैसा कि कल भी दिखाया था आपको कि कैसा गमगीन है पूरा माहौल, सभी लोग कितना परेशान हैं, दिखा सकते हैं कि ये संतोष का घर था, एक गरीब परिवार का घर, जो सिर्फ और सिर्फ इस घर में कमाने वाला वही व्यक्ति था। तीन भाई है, सबसे छोटा भाई है वो, एक बहन है और पूरा परिवार गमगीन माहौल में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका अपहरण हो जाता है और उसकी हत्या की जाती है और उसको खुदकुशी बताई जाती है। कितना हास्यास्पद है यह बयान। बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। शायद मैं कल भी कहा था कि अगर यह हाईलाइटेड मामला होता, कई सारे बड़े लोग होते, पैसे वाले होते, तो शायद ये मुद्दा अब तक काफी ऊपर तक पहुंच चुका होता, लेकिन इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इस वजह से ये मुद्दा दबा हुआ है। तो आप लोगों से मैं कहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये परिवार है, दिखाइए इनको, सभी लोग जितने भी यहां बैठे हुए हैं, गांव के, घर के, इनके परिवार के लोग हैं जो सिर्फ एक ही गुहार कर रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय कब मिलेगा, उसे न्याय कब मिलेगा, इसी की गुहार में है। आपको बता दें कि जिस रात को यह घटना हुई है, संतोष इसी घर में था, संतोष इसी घर में था, यहां पर अपने पिताजी के साथ रात में, जैसा कि दिनचर्या होती है कि वो अपनी दुकान बंद करके आता है, 8-9 बजे की रात का समय होता है, अपने पिताजी के साथ इसी घर में खाना खाता है और पिताजी इसके बाद घर से निकलकर थोड़ा सा दूरी पे उसका घर है, वो भी आपको दिखाएंगे, वहां पर सोने के लिए जाता है। पिताजी बताते हैं कोई बात नहीं थी, किसी भी तरह का टेंशन नहीं था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, उसके बावजूद मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। सब लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। तो ये संतोष का घर है और संतोष जहां सोया था वो भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो थोड़ी सी दूरी पर है। दूसरा घर है जहां पर वो पहले दिखाया कि वहां पर पूरी फैमिली रहती है और संतोष यही घर है जहां पर आके सोता था रात में, और हमेशा की तरह वो उस रात भी आया, खाना वगैरह खा के सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात यह बताई जाती है कि वो 12 बजे तक यहां था, 11-12 बजे तक वो सो रहा था उसके बाद, लेकिन जैसे सो जाता था किसी को पता नहीं चलता, ये वही जगह है जहां पर संतोष सोता था हर रोज की तरह, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई मतभेद नहीं थे, फिर भी उसकी हत्या कर दी जाती है। कई सारे सवाल हैं जो इस कड़ी में तोड़ने हैं और सभी से सवाल, क्योंकि जब इस पर निष्पक्ष जांच होगी, कई सारे सवालों का खुलासा होगा और संतोष को न्याय मिलेगा। तो उम्मीद यही करता हूं कि संतोष की इस प्रकरण में, इस हत्या में उसको न्याय मिले। उनके पिताजी लोग भी हैं यहां पर आए हैं हमारे साथ में, तो उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको। अब सर आश्वासन तो पुलिस यही दिया है कि न्याय मिलेगी जी, लेकिन अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है। चलिए, पिताजी हैं उनके, पिताजी कुछ कहेंगे संतोष के लिए। संतोष को न्याय मिलना चाहिए सर, बस उनकी न्याय मिलना चाहिए। अब कोई हाँ, सबकी यही गुहार है कि संतोष को न्याय मिले, कुछ भी हो, कोई भी दोषी हो, न्याय हो। ये नहीं है कि कोई भी हो, आस पास का हो, परिवार का हो, घर का हो, रिश्तेदार का हो, दूर का हो, कहीं का हो, न्याय मिलना चाहिए। हमारा खुद का कोई भाई ना हो, लेकिन मेरे को न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए साहब, बस इंसाफ होना चाहिए, इसको एकदम दूध का दूध होना चाहिए, पानी पानी साहब। आंसू आ रहे, उस दिन से खाना नहीं खा जा रहा साहब, हकीकत बता रहा हूँ भाई, का लड़का मेरा भतीजा चला गया, ऐसे टूट के हमेशा पहुड़े रह ले, इतना अंधेर हो गया गनपी गांव में, बाप रे दैया, आए अंधेर हो गया, बाप रे दैया, आए। तो
तो ये परिवार है जो परेशान है सिर्फ और इसलिए कि न्याय निष्पक्ष चाहिए, न्याय चाहिए, क्यों इंसाफ होना चाहिए, इसको इंसाफ होना चाहिए साहब, बस इसको। सब लोग बहुत परेशान हैं, बाकी चीजें जो भी चीजें होंगी, सिर्फ आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ तक ये आवाज जानी चाहिए ताकि इस जो घटना हुई है इस पर जांच हो। लोगों का कहना है, घर वालों का कहना है कि चाहे परिवार का हो चाहे घर का हो, कोई भी इस चीज में संलिप्त है तो उसको सजा होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। घटना जो हुई है बहुत निंदनीय है कि सरकार इतना लगाम लगा रही है गुंडों पे, आज भी इतना प्रशासन बता रहे हैं कि टाइट है। हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई टाइट है, क्योंकि हत्या होती है, घर से अपहरण होता है, उसके बाद उसको कानपुर ले जाया जाता है। अगर वो हत्या करेगा तो अगर लाइन में ही कट के हत्या करना था तो यहाँ भी हैं रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक हैं, कई जगह हैं, इधर भी तो यह धनी है, इधर भी है। ऐसा कुछ नहीं कि उसने आत्महत्या किया है। कुछ पत्रकार यहाँ के हैं, पता नहीं कैसे पत्रकार हैं, वो आत्महत्या दिखाते हैं, क्योंकि वो दलाल टाइप के पत्रकार हैं, इस वजह से आत्महत्या दिखाते हैं। और अगर हत्या हुई है उसकी, तो भाई जानकारी पुलिस को दी गई कि गुमशुदा है, फिर भी पुलिस घर नहीं आई अभी तक। जब हत्या का मतलब वो गुमशुदा हुआ, पिताजी गए उनके थाने, फिर भी अगर चाहते पुलिस वाले लांस पे नंबर लगाते, उसको ढूंढते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में जब उसकी हत्या हो जाती है, वहाँ से पता चलता है कि फ़ोन आता है, इनके पिताजी बराबर फ़ोन लगा रहे थे लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। बाद में फ़ोन उठा तो किसी दरोगा ने अपना चकेरी थाना को उठाया तो बताया कि आपका लड़का यहाँ पर मिला है, उसका शव रेलवे ट्रैक पर। तो उसमें ये लगता है कि हमको तो भाई कोई भी अगर आत्महत्या करेगा तो अगर खुद करेगा आत्महत्या तो हमको ये लगता है कि जिंदा अगर लाश होती है, अगर एक उंगली भी कट जाए किसी की तो उछलती है। उसको हमने देखा कि जैसे ही फोटो में कि उसका जो गर्दन है वो रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ है, ठीक है, और एक धड़ अलग एक धड़ अलग, वो हवाई चप्पल पहने था। मतलब हवाई चप्पल पहनने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की घटना होगी तो हवाई चप्पल अगर अपना जिंदा लाश होगी तो वो निकल जाएगा, क्योंकि लाश उलरती है कटने के बाद, या उंगली है हाथ भी कट जाता है। लोग हम देखे हैं, माए बगल में रेलवे ट्रैक है, रामचंद्रपुर में हमारा घर है, लोग जब कटते हैं तो उनका आधा लाश इधर जाता है आधा इधर जाता है, लेकिन उसका ऐसा कुछ रहा नहीं है कि उसका लाश मतलब इधर उधर हो, बस बाकायदे उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या करके उसको लिटाया गया था और उसके जो कपड़े थे उसको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो कपड़ा क्यों चेंज करेगा, ठीक है। हम तो यही कह रहे हैं भाई, यहाँ पर प्रशासन इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी, लोग अंदर आक्रोश था कि हाँ भाई अगर कुछ कर नहीं रहे तो हम लोग न्याय की गुहार के लिए हमने जमुनापुर चौराहे पर लोगों ने रखा, भाई हम लोग भी साथ में थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन हाँ न्याय की गुहार किया गया था कि भाई एस पी डीएम आए और न्याय हो, जो जिस नंबर से उससे बात की हो, क्योंकि रात में उसने जब घर आया और उसके बाद वो घर में खाना खाया, गया सोने, सोने के बाद उठ के वो रात में कहाँ गया, ऐसा हो सकता है किसी ने फ़ोन करके बुलाया हो या किसी आके बहला फुसला उसको ले गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम तो कह रहे हैं अगर फ़ोन से बात हुई होगी तो निश्चित तौर पर जांच अगर कायदे से हो जाएगी तो सीडीआर वगैरह जो निकलती है वो प्रशासन चाहे तो तत्काल भी निकलवा सकती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लोग बताते हैं, लेकिन टाइम हो सकता है कि भाई दो दिन लगता है, लेकिन यहाँ तो तीन तीन चार चार दिन हो गए हैं अभी तक सीडीआर नहीं निकला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है क्या, उसको देखिए भाई, प्रशासन देखे किससे कितना बात हुई, उसका रिकॉर्ड एक महीना का निकलवाया जाए तब पता चले। बाकी हमको न्याय चाहिए, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्रशासन से भी मेरा निवेदन है और एसपी साहब से भी निवेदन है। तो ये थे आशु मोहन, उसके बारे में जो लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आत्महत्या तो नहीं है भाई, ये लड़का इसलिए कि लड़का जो है तब सीधा था, यहाँ से लेकर वहाँ तक चौराहे पर तक इसका रिकॉर्ड है, आज तक किसी से सिर्फ बेतक की बात नहीं की, तो माँ पत्ता को इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई भाई का कई दिन का। ये लड़का के साथ ही गलत हुआ है, परिवार के साथ ही, इसका न्याय चाहिए, तब चाहिए। और पुलिस की इस ढीली रवैया के बारे में आप क्या कहेंगे? तो पुलिस तो ढीली है ही है, पुलिस अगर ढीली ना होती तब तक ये केस को बहुत आगे बढ़ा दिया होता, कम से कम आज इसे भैया ने बताया कि अगर कोई बड़े आदमी के घर में अगर यह हादसा होती तब तक दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाता। आज गरीब परिवार में इतना हुई तो इसके
पास कोई बैठक नहीं है। जब तीन थाने के पुलिस इकट्ठा हो गए तो चाहट पुलिस आ रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले अपने डिपार्ट का पुलिस आना चाहिए तब बाहर आता। कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब है, जिनका जवाब अभी बाकी है। तो चलिए न्याय की उम्मीद करते हैं और बाकी जो भी अपडेट होगी, संतोष को न्याय दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप लोग सहयोग करो, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। तो हर अन्याय के साथ आपको खड़ा होना है, हर उस गरीब के साथ खड़ा होना है जिसको न्याय दिलाने में लोग लेट कर रहे हैं।